अच्छी आज शुभ आरंभ है। आज धनतेरस का दिन है जो बहुत एक ऑस्पिशियस डे माना जाता है, और आज के दिन हवन करना, ऋत्विक और कावेरी दोनों का बर्थडे वापस रीसेलिब्रेट करना, तो एक अच्छा माहौल है। आई थिंक ये दिवाली की एक शुरुआत है, सब में एक जोश है, एंड इट फील्स गुड, एंड विश देम ऑल द हैप्पीनेस सक्सेस एंड टू द एंटायर यूनिट ऑल्सो। हाँ, बहुत बहुत सरप्राइजिंग था, बिकॉज ऐसा कम मेरे जितने भी मैंने शोज बनाए, जितना भी मेरा करियर है 26 साल का, कभी भी एक लीड कपल्स का कभी भी बर्थडे एक दिन होना रियल लाइफ में, ये कभी भी आज तक मैंने मतलब हुआ ही नहीं मेरे पूरे करियर में। इसीलिए दोनों नहीं थे उस दिन बर्थडे के दिन, बट हमने डिसाइड किया जिस दिन दोनों साथ में मिलेंगे और एक अच्छा ओकेजन होगा, हम वापस वो रीसेलिब्रेशन करेंगे। बहुत अच्छी फील थी, बहुत पॉजिटिव फील थी, और आई थिंक जब भी हवन वगैरह होता है तो एक डिवाइन पावर आ जाती है, और एक जिसे कहते हैं भगवान की एक प्रेजेंस आपको फील होती है। तो आई थिंक हम बहुत लकी हैं कि हमें राजन जी की वजह से वो दो तीन महीने बाद वो एक डिवाइन पावर और वो प्रेजेंस जो होती है वो फील होती रहती है, क्योंकि हम पूजा और बाकी सब भी बहुत करते रहते हैं सेट पे। एंड आई थिंक ऐसा भी पहली बार हुआ होगा कि दिवाली के दिन होली मनाई गई है कावेरी के साथ, कि बट केक होली, सो इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। सच में न्यू ईयर आने वाला है, एंड यू नो इस साल की जो शुरुआत है आने वाले साल की, आई एम श्योर इट्स गोना बी वेरी गुड फॉर मी, ऋत्विक, द एंटायर टीम, राजन सर। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ते प्यार के रिश्तों के यू नो के लिए बहुत अच्छा साल है, बिकॉज हमने जो शुरुआत की है वो हवन से की है और भगवान को याद करके किया है, जो कि हम हमेशा करते हैं, बट आज स्पेशल डे भी है धनतेरस, एंड स्पेशली मेरे और ऋत्विक के लिए बहुत लकी होने वाला आने वाला साल, बिकॉज हमने गॉड की ब्लेसिंग्स लिए। मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था, और ऋत्विक को तो बिलीव ही नहीं हुआ था, कि उससे लगा था कि मैं इस पर हिट कर रही हूँ ये ज़बरदस्ती का बोल के, कि मेरा बर्थडे भी तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ही आता है, मतलब व्हाट इज दिस। एंड देन आई शोड हिम माय आईडी कार्ड, एंड ही वाज लाइक शो मी योर आईडी कार्ड देन आई बिलीव यू। तो फिर मैंने दिखाया, एंड देन ही बिलीव्ड फाइनली। हिटिंग नहीं, मुझे लगा कि लड़की स्टॉक करके आई है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि मतलब पहले भी एक बार मेरे साथ हो चुका है कि, बट वो फिर पता लगा था कि उसका बर्थडे कभी और आता था, तो इसीलिए मुझे मेरे जो डाउट्स थे वो रीजनेबल थे। उसको बहुत सारा थैंक्स कहना चाहेंगे, और कहेंगे कि ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारा शो देखते रहिए, और जितना भी प्यार है वो देते रहिए। बिल्कुल, फैंस हमसे, हमारे बर्थडे के लिए फैंस हमसे ज़्यादा एक्साइटेड रहते ये थे पूरे टाइम में, एंड इट फील्स रियली ग्रेट एंड स्पेशल। थैंक यू ऑल फॉर सो मच लव, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए हम पर, हमारे शो पर, एंड कीप वॉचिंग ये रिश्ते प्यार के।